feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम मुंबई से हिमाचल गए एंड हिमाचल पूरा एक्सप्लोर किया, सारी ऑफबीट प्लेसेस, एंड रिटर्न आते वक्त हम जयपुर में स्टे कर किए एंड आज हम आए जयपुर में। और जयपुर में हमने ये शहर पैलेस करके है, यहाँ पे हमने स्टे किया है। काफ़ी अच्छा पैलेस है, बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत अच्छा है यहाँ का जो रहने का सारा है। और ये व्यू भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ से सारे रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ये ऊपर भी स्टेयर्स है जाने के लिए। और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं और रूम के सामने ऐसे टेबल चेयर भी लगे हुए हैं, आप बैठ के व्यू को इंजॉय कर सकते हैं, ग्रीनरी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ऐसे और ऐसे यहाँ पे इन्होंने दीवारों पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स वगैरह भी लगा रखे हैं, काफ़ी पुराना है तो काफ़ी अच्छा बना हुआ हैंड पेंटेड पेंटिंग भी है। और ये रही मनस्वी अपने रूम के आगे। एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ रूम में एंटर करते ही ये मिरर है और यहाँ पे एक टीवी भी दे रखा है, सामान भी काफ़ी फैले हुए हैं एंड इधर एक चेयर भी है और ये बेड है, बेड भी काफ़ी बड़ा है एंड क्लीन है। और इधर एक अलमीरा दिया है जो आप सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, रूम भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी क्लीन है एंड बड़ा भी है। तो फाइनली अभी हम रेडी भी हो चुके हैं आज जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास एक ही दिन है तो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए और अभी बजे हैं 10। एरिया क्या वो सब मिला के ही है क्या? 12 किलोमीटर शक्ति बोल रहा है। अच्छा 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर के लिए है। अभी हम आ गए आमेर फोर्ट जयपुर में। तो जयपुर में हम कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आज हमारे पास एक दिन है तो जयपुर को एक्सप्लोर करना है। तो फर्स्ट हम आ गए सबसे पहले आमेर फोर्ट और अभी आमेर फोर्ट को देखेंगे आपके साथ, आपको भी दिखाऊंगी पूरा यहाँ का। तो लेट्स I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world?
world by. Oh, please, Lord, give me a sign, a sign. बहुत बड़ा है, 12 किलोमीटर आपको चलना है और बहुत धूप है तो गर्मी में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी गर्मी है, जून का मंथ, तो हम तो सडन प्लान बना लिए, आ गए। ये हमारे गाइड है। ये हमारी वो वाली लड़की है जो ये वो बनाती है। बात तो सही है। ये जो गांव है इसका नाम है अमरदा, तो 1000 साल पहले कसौर राजू रहते यहाँ पे और इनका आदि गांव थे। इस गांव का गांव नाम अंबरदा, अंबिका महादेव का टेम्पल के नाम से अंबर बड़ा था उसका, और 1727 में इसका नाम अंबर कन्वर्ट कर दिया आमिर कर दिया। तो देखो जो शत्रुओं है 12 किलोमीटर शत्रु है और जो वास्तव है धोली पुलिस चौकी सबसे बड़ी चाइना और जयपुर शक्ति होली थी। 1000 साल गांव को अटैक किया, अटैक करने वाले गांव को जीत लिया। जोधा पैलेस सामने वाली को बिल्डिंग है, ये जोधा पैलेस है। इसमें काकिलदेव आए थे, काकिलदेव बेटा बिहारदास। ये चिमनी है, चिमनी। अच्छा, तो गीजर गीजर पहले का। अच्छा, पहले का गीजर। लेकिन वो जमाने में हमाम के लिए वाटर हीटर का यूज। ये देखिए राजा रानी का चंजू रूम था, ये नहीं खाने का था और वही से गर्म होता था, ये भी गर्म रहता था। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कटन के बाद अंदर होता था, अंदर रोक मिल गया लाइटिंग का जो स्टैंड था, जैसे दीपक होता था उस टाइम में टीम में होती थी, उस लाइटिंग होती थी, लाइटिंग होती है वो रूम में सब होते थे। Sing along, trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sick, listen to what the fuck is going on. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so fake. Yeah.
अपने गए फाइनली हम ऑनलाइन फोर्ट घूमने के बाद हम आ गए लंच करने, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी और वहाँ पे पूरा 12 किलोमीटर घूमना बहुत ही धूप में सारे लोग को भूख लग गई बहुत तेज़। तो हम गोविंदम रिट्रीट आ गए यहाँ पे लंच करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैठने का है, सिटिंग एरिया वगैरह। और यहाँ का जो लंच है, हम आज खाएँगे राजस्थानी थाली, और यहाँ का राजस्थानी थाली सुना है काफ़ी टेस्टी है और बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं, अगर आप जयपुर आते हैं तो गोविंदम रिट्रीट जरूर आइए, यहाँ का खाना खाने बहुत ही टेस्टी है। एंड फिर लंच करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद अब इवनिंग में आ गए जल महल देखने। ये है जल महल, यहाँ का बहुत ही अच्छा है यहाँ से व्यू देखने के लिए, बट वहाँ पे जा नहीं सकते, अभी बंद कर रखा है उन्होंने। एंड देन फिर हम आ गए हवा महल। ये आपको जो दिख रहा है ये हवा महल है, बट इवनिंग में ये 5 या 4 बजे बंद हो जाता है, तो हम लेट हो चुके थे तो अंदर नहीं जा पाए। एंड ये है वहाँ का मार्केट, तो हमने मार्केट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, ज़्यादा कुछ परचेस नहीं किया, बस देखा एंड घूमा। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का मार्केट, बापू मार्केट है, जौहरी मार्केट है, काफ़ी सारे मार्केट्स हैं यहाँ पे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ा रिजनेबल में। जोरी बाजार है, उसमें सोने होता है। एंड फाइनली हम डिनर करने के लिए नापोली आ गए, और यहाँ पे हमने खाया पिज़्ज़ा, सबने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा था। एंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।